Hello and welcome to Chitkara News. This is Sonakshi and today we are going to uncover the mystery about the cycles that are being stolen in and around Panchkula city. So let us go and talk to the people whose cycles have been stolen. I'm currently standing in front of the house where two cycles were stolen in broad daylight at 3 PM on May 21st, 2023. Sir, ये incident कब और कितने बजे हुआ? देखो पता तो हमें शाम को 6 बजे लगा। 6 बजे बेटा नीचे गया, भी चलो सुबह जाना है घूमने, साइकिल में हवा भर दूँ, देखा तो साइकिल है नहीं। इसने फिर अपनी मदर को पूछा भी, उसकी बेटी का भी साइकिल वो ले गया खेलने के लिए, फिर नहीं अभी नहीं है, दोनों गायब थे साइकिल। फिर हमने अपना CCTV देखा, उसमें 3:05 पर वो लड़के एंटर हुए, अंदर 20 मिनट अंदर रहे हैं। एक पहले एक साइकिल का उन्होंने काटा उसको, फिर दूसरा उनसे कटा नहीं, एक को ले गए बाहर, फिर दूसरा ऐसे ही उठा के बाहर ले गए और बाहर बैठ के पकड़ा। तो उनको ये पूरा काटने में, ताला तोड़ने में कितना टाइम लगा? 15 मिनट मिनिमम। तो आपको उस टाइम पे आवाज़ नहीं आई? दोपहर थी 3 बजे, पूरी गर्मी और ऊपर से क्रिकेट मैच आ रहा था, हम बहुत देख रहे थे बैठे। हम तो इंश्योर थे भी डबल चेन, ये नहीं एक चेन नहीं, पहले एक साइकिल पर एक लगी, फिर दोनों आपस में भी बंद। अच्छे से सिक्योर? हाँ, फुल्ली सिक्योर थी। अगले दिन फिर आया उनका आईओ, तो पुलिस को अब तक कोई सोर्स या कुछ ऐसे कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। अखबार में उस दिन आया था, अगले दिन ही, लेकिन उसमें हमारे वाला इंसिडेंट नहीं था। 7 साइकिल्स 2 दिन में 2 सेक्टरों में चोरी हुए हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं इस फुटेज में, बिल्कुल क्लियर वीडियो आई हुई है उन चोरों की, जिन्होंने दिन दिहाड़े साइकिल चुराई और उसके बाद फरार हो गए। मैं इस समय मौजूद हूँ सेक्टर 5 पंचकूला के पुलिस स्टेशन के बाहर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपोर्ट्स दर्ज करवाई गई हैं। पुलिस के पास अपनी जितनी भी मेन पावर है, हम अपनी पूरी मेन पावर के साथ जो है लगातार अपनी गश्त कर रहे हैं, वो QRT के माध्यम से कर रहे हैं, PCRs के माध्यम से कर रहे हैं, और हमारी जो रेगुलर गश्त पार्टी है वो भी लगातार 24 घंटे अपना काम कर रही है। जहां तक साइकिल चोरी, 2-व्हीलर चोरी और अदर व्हीकल्स चोरी का सवाल है, उसके अंदर जो ये इस तरह की जो व्हीकल्स चोरी होते हैं, इसमें एक गिरोह होता है पूरा जो काम करता है, और जब तक लोकल पुलिस तो अपनी पूरी पावर के साथ काम कर रही है, लेकिन जब तक लोकल जो पब्लिक है या आम लोग हैं, जब तक वो भी पूरी तरह से अवेयर नहीं होंगे तो इस पे पूरी तरह से रोक पाना तो मुश्किल है। लेकिन हम समय समय पर गैंग पकड़ते भी हैं, हमने पीछे भी एक साइकिल चोर का गैंग पकड़ा था। पुलिस का जनता से अनुरोध है कि अपनी साइकिल्स को अच्छे तरीके से लॉक करें। द पुलिस इज पुटिंग इन ऑल द हार्ड वर्क इन फाइंडिंग द ट्रू व्हिच इज रिस्पांसिबल ऑल द फॉर ऑल दीस थेफ्ट्स। सो टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड योर साइकिल्स। विद कैमरा पर्सन सार्थक, दिस इज सोनाक्षी मल्होत्रा फॉर चित्कार न्यूज़।